मेरी रेसिपीज पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और भी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल द किचन कहानियां से जुड़े रहिए। आज हम बना रहे हैं छोले। छोले उबालने के लिए ये मैंने एक कप छोले लिए हैं। इसको मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा है और सुबह ये अच्छी तरह फूल गए हैं। इसमें डालने के लिए खड़ा मसाला लिया है, 2 बड़ी इलायची, 1 हरी इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 तेज पत्ता, 1-2 लौंग और 3-4 काले मिर्च, 1 छोटा चम्मच हींग लिया है, 1 छोटा चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, आपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, और छोले को रंग देने के लिए और थोड़ा सा रिफाइंड लिया है। अब छोले उबालने से पहले एक पैन में थोड़ा पानी डालकर, लगभग 1 कप पानी डाल देंगे और ये चाय की पत्ती को डालकर इसको उबालना है। इधर एक प्रेशर कुकर में हम पहले ये भीगे हुए छोले डालेंगे। इसमें हम अजवाइन, हींग, नमक और ये सभी खड़े मसाले डाल देंगे। थोड़ा सा हम रिफाइंड डाल देंगे, ये हमें छोले उबालने में ही डालना है। रिफाइंड डालने से छोले अच्छी तरह कुक होते हैं। चाय पत्ती उबल चुकी है, ये उबला हुआ पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे और अब इसमें लगभग 2 कप पानी डालकर प्रेशर कुकर को हम गैस पर चढ़ा देंगे छोले उबालने के लिए। इसमें लगभग 2-3 सीटी तेज आंच पर और उसके बाद 1 या 2 सीटी हमने कम आंच पर दी है। ये देखिए छोले कुक हो गए हैं, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। छोले छोंकने के लिए मैं प्रेशर कुकर का ही यूज करूंगी। अब पहले तो जो हमने इसमें ये खड़े मसाले डाले थे इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि खड़े मसाले अपना एसेंस यहाँ छोड़ चुके हैं और बाद में ये खाते हुए मुंह में आएंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे। ये सभी मसाले मैंने बाहर निकाल दिए। अब छोले छोंकने के लिए मैंने जो सामान लिया है उसमें 1 कटा हुआ प्याज है। ये आप अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। ये कुछ बारीक कटा हुआ लहसुन लिया है, 1 चम्मच लगभग। 1 कप टोमेटो प्यूरी है, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच देगी मिर्च ली है, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच चना मसाला और 1 छोटा चम्मच जीरा, और ये कुछ हरी मिर्च, पनीर गार्निश करने के लिए और अदरक थोड़ा सा कसने के लिए और कुछ ताजा हरा धनिया पत्ती। पहले हम अदरक को ग्रेट कर लेंगे और 1 हरी मिर्च के बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे। अब छोंक तैयार करने के लिए प्रेशर कुकर में हम 1 बड़ा चम्मच हम रिफाइंड डालेंगे। ये रिफाइंड तेल आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। गरम होने पर जीरा डालेंगे। जब जीरा अच्छी तरह भुन जाएगा इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। यहां मैंने प्याज या लहसुन का पेस्ट नहीं लिया है, इसको एक बढ़िया टेस्ट देने के लिए हमने बारीक कटे हुए प्याज और लहसुन लिए हैं। प्याज जब थोड़ा भुन जाएगा तब उसमें हम ये फाइनली चॉप्ड लहसुन को डाल देंगे और इन्हें अच्छी तरह भूनने के लिए इसमें मैं 1 छोटा चम्मच यहाँ नमक ऐड करती हूँ हमेशा, जिससे प्याज हमारा बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो जाता है। ये देखिए प्याज अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें हम टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। छोले को बढ़िया बनाने के लिए हमें मसाला बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। टोमेटो प्यूरी के साथ थोड़ा पानी और ऐड करेंगे जिससे प्याज और टमाटर आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। ये मैंने लाल मिर्चें डाल दी हैं, देगी मिर्च और लाल मिर्च दोनों मैंने 1 छोटा चम्मच ली थी।
धनिया पाउडर डाल दिया है, चना मसाला सभी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बाद में कसा हुआ अदरक और बारीक कटी हरी मिर्च डाल देंगे। इन सभी मसालों से टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। अब मसाले को थोड़ा कम आंच पर हमें अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे जिससे मसाला बढ़िया तरह भुन जाए। ये मसाला हमारा कम आंच पर भुन रहा है। ये देखिए आप, मसाले ने चारों तरफ घी छोड़ना शुरू कर दिया है, ये आप अच्छी तरह देख सकते हैं। हमारा मसाला बढ़िया तरह भुन चुका है। अब इसमें हम छोले ऐड करेंगे। बढ़िया तरह मसाला और छोला आपस में मिक्स करेंगे और यहां करीब एक या डेढ़ कप, जितना भी आप उसमें तरी रखना चाहते हैं, पानी ऐड करें। कुकर पर लिड लगाएंगे और इसमें हम एक सीटी आने देंगे। जब प्रेशर कुकर बिल्कुल अपने आप ही ठंडा हो जाएगा तब हम ढक्कन हटाएंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना बढ़िया आया है। यहां मैं एक छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड करती हूँ इसके फ्लेवर को और बढ़िया बढ़ाने के लिए, और कुछ कटा हुआ हरा धनिया। बढ़िया छोले तैयार हो गए हैं। इसको सर्व करने के लिए बोल में डालते हैं। गार्निश करने के लिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा पनीर कस दिया है और हरी मिर्च हरे धनिया से इसको मैं गार्निश कर रही हूँ। छोले हमारे तैयार हो गए हैं। इसको आप चावल, कुलचा, भटूरा, पूरी किसी के साथ खा सकते हैं। ये लीजिए, खाइए और मजे लीजिए।